करती भी घिया तोरी टिंडर देख के शाल बनाते हैं? क्या आपके बच्चे भी करेला टिंडा तोरी घिया नहीं खाना चाहते? देन वॉच दिस मसाला एंड एड इट टू योर सब्जी. दिस मसाला विल मेक योर सब्जी लिप स्मैकिंगली डिलिशियस. माई हस्बैंड हु यूज्ड टू मेक फेसेस एट लौकी हैज स्टार्टेड ईटिंग इट एंड रिलिशिंग इट. In fact, it has become his one of his favorite subjects. My little brother, who used to hate the word lauki, finds it interesting. So guys, this masala is definitely recommended to all of you. Moreover, जो बाजार में मिलता है ना cubes, उससे बहुत अच्छा है. तो please इसे बना लें और अपने family को खिलाएं. And if you have more ideas of making better masalas like this one, then please write it in comments. Thank you. हाँ जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस साउथ इंडियन मसाला दैट आई हैड लर्नड फ्रॉम साउथ इंडियन आंटी हु वॉज अ नेबर ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड एंड आई यूज्ड टू गो टू हर हाउस टू प्ले एंड आई सॉ हर मेकिंग दिस मसाला इयर्स बैक बट ऑफ कोर्स आई हैव चेंज्ड इट अ लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू माय मेमोरी एंड माय टेस्ट. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. सो आपको चाहिए सूखा नारियल. तो मैंने दो सूखे नारियल को बिल्कुल बारीक काट के रखा है यहाँ पे छुरी से. एंड यू नीड लॉट ऑफ सन ड्राइड कड़ी पत्ता. सो दिस कड़ी पत्ता हैज़ बीन वॉश्ड एंड देन सन ड्राइड, नॉट डायरेक्टली अंडर द सन. इसको धोने के बाद अच्छे से कपड़े में लपेट के अंदर ही रखा है, और क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है यहाँ पे तो अपने आप ही ये सूख गया है. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर इट इज़ dried naturally. And that's around 1 kg of peanuts, 2 katoris of cashews and 100 grams of white tilसो इसको सबको अब हमने ड्राई रोस्ट करना है कढ़ाई में. तो अगर आपके पास अवन है तो अवन में रोस्ट कर लो, बट देन जलाना नहीं है, रोस्ट करना है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि नारियल थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मे बी मैं तीसरा नारियल भी काट के कर लूँ. सो लेट्स गो एंड रोस्ट ऑल ऑफ दिस. इसको रोस्ट नहीं करना है कड़ी पत्ते को, बिकॉज इट्स ऑलरेडी सन ड्राइड. इसको सीधा मिक्सी में पीसना है. मेक श्योर योर मिक्सी इज एब्सोल्युटली ड्राई विद नो मॉइस्चर, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए. सो आई हैव एक्चुअली वॉश्ड माई मिक्सी एंड केप्ट इट इन द सन फॉर सम टाइम. वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी, तो उसके बाद इसको पीसना है. देर शुड बी नो मॉइस्चर. यू कैन कीप दिस मसाला इन योर फ्रिज. आई कीप इट फॉर ऑलमोस्ट टू सीजन्स एज इन वन गर्मी. सो आई यूज़ इट फॉर ऑल माई लौकी तोरी टिंडा एंड माई हस्बैंड इज़ हैप्पीली ईटिंग लौकी तोरी टिंडा नाउ बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मसाला. सो ट्राई इट आउट गाइज, बड़ा अच्छा दूधिया हो जाता है सब कुछ. सो लेट्स गो टू द किचन एंड रोस्ट थिंग्स. तो ड्राई रोस्ट करना है, कोई तेल नहीं, कढ़ाई में कुछ नहीं, बस सीधा जय माता. So keep so कुछ नहीं, इसको बस ट्राई रोस्ट करना है. एंड बीच बीच में मूंगफली को मत भूल जाओ, इसको चलाते रहो. ये देखो नीचे कैसी हो रही है. ये पूरा छिलका उतारना है हमको जब ये ठंडी हो जाएगी. सो कीप भी आने लगती है. कीप स्टरिंग कंटिन्यूअसली. इट्स ऑलमोस्ट डन. छिलका फटना शुरू हो गया, टक 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 आवाज आ रही है. सो इसको मैं निकाल लेती हूँ अब और ठंडा करेंगे. इन द सेम कढ़ाई वील डू द वाइट तिल. वाइट तिल बड़े जल्दी हो जाते हैं, तो इसको कंटिन्यूसली इसको भी हिला लें. सो द क्वांटिटी ऑफ द मसाला इज अकॉर्डिंग टू मी एंड माई फैमिली. तो ये मसाला पूरा पीस के, भुन के, पीस के किसी भी सब्जी में, एनी ड्राई वेजिटेबल
यू कैन पुट इट पुट अराउंड 4 to 5 स्पूंस. सो सारी जो सब्जी है बड़ी दूधिया हो जाएगी. लुक एट दैट वाइट तिल इज टर्निंग ब्राउन. आई डोंट हैव टू मेक इट डार्क ब्राउन. दैट्स अबाउट इट. आई एम गोना रिमूव इट. Next is cashews. So according to your family, you can change the quantities. If you're taking 1 hour, you'll take 1 katori of cashews and 1/2 kg of peanut. नारियल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रखनी है. It's important to keep stirring them so that they don't burn. To save my time, I think I'm going to dry roast the coconut in the oven. So, सबसे कम टेम्परेचर पे, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, for just for 5 minutes, and then we can toss this upside down, and then again for 2-3 minutes. जलाना नहीं है, roast करना है. तो ये नारियल तो 5 मिनट्स में भी पहले ही हो गया, तो ऊपर ऊपर का हो गया, तो मैं थोड़ा पलट के इसको वापस लगा रही हूँ. सो लेट्स जस्ट मिक्स इट ऑल. नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, सो दैट सारा हो जाए. अवन आई थिंक इज बेटर टू रोस्ट थिंग्स बिकॉज थिंग्स हैपन वेरी क्विकली एंड इवनली. चलो लेट्स पुट इट इन द अवन अगेन. ओ जी, एवरीथिंग इज रेडी. सब कुछ रोस्ट हो चुका है. अब बस इसको अलग अलग ही हमने मिक्सी में पीसना है बिकॉज सब कुछ एक साथ नहीं पीस सकता. तो मिक्सी भी हमने सन ड्राई कर ली है, वी नो दैट इट्स 100% मॉइस्चर फ्री. तो थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा एक साथ मत भरो ताकि अच्छे से पिस जाए. बहुत ज़्यादा दरदरा पाउडर, बहुत ज़रा ताकि एक अच्छे से पिस जाए. बहुत बारीक नहीं पीसना है बट ये आई थिंक थोड़ा सा और पीस लेती हूँ. ध्यान रहे जितना ज़्यादा पीसेंगे उतना ज़्यादा जो तेल है वो मिक्सी के साइड्स पे आ जाएगा. तो थोड़ा सा इसको ठंडा करके अच्छे से ही पीसना है. डोंट ट्राई टू पीसो इट व्हाइल इट इज स्टिल वेरी हॉट. Keep giving it breaks because the mixie also becomes very hot. Oh, look at that. Can you see the oil? That's why it's got collected together. Yeah, look at that oil. So इसके बड़े अच्छे लड्डू भी बनते हैं. ऐसे नारियल के को भून के बस उसमें शक्कर मिलाओ, नट्स मिलाओ और बाइंड कर दो. तेल तो इसमें है ही. I'm going to piece all of these things one by one, and then I've got 2 mixing bowls. One is this and the second one is there. So let's just do all of that. Next goes in the tin. ये तिल का पाउडर आप वैसे भी यू कैन कीप इट रेडी एंड व्हेनेवर यू वांट टू मेक हमस
and you want the sesame sauce or the paste. This will help you handy. Okay, so now everything will be pieced and mixed together, and then the masala is going to be ready. Next goes in the kari patta. Kari patta is going to just give it that lovely color. I'll have to be careful and do it in batches. Kari patta maine zyada hi piece diya, thoda sa better khada khada rakhna chahiye tha, but ab pis gaya, ab kya kar sakti hu. So थोड़ा सा इट शुड हैव बीन मोर खड़ा खड़ा, या तो मेहंदी बन गई, बट आई थॉट कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया. बट अभी आई रियली लाइक द स्मेल ऑफ कोकोनट फर्स्ट एंड देन तिल एंड नाउ कड़ी पत्ता. नेक्स्ट इज कैश्यूज. आई थिंक इट्स नॉट इजी टू मेक वीडियोस दिस काइंड ऑफ स्मेल, दिस काइंड ऑफ खुशबू. सो फाइनली मूंगफली उसको पूरा हमने डीप वो रेड छिलका उतार दिया. रेड छिलका उतारने का मतलब मूंगफली अच्छे से भुन गई है. दैट्स इट, दिस इज द लास्ट थिंग व्हिच इज गोइंग. बस जी मूंगफली हो गई. So guys, this masala is ready and I've packed it in glass bottles and I'm going to keep it in the fridge. तो अब बनानी कैसे है सब्जी? सब्जी बनानी जैसे आप बनाते हैं लौकी की टिंडा तोरी या कोई भी मिक्स वेज, जैसे आप बनाते हो बना दो. ऊपर से डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ योर सब्जी, लाइक व्हेन आई मेक 1 kg ऑफ लौकी आई पुट 4 to 5 स्पूंस ऑफ दिस. सो अगर आपकी सब्जी कम है तो आप कम डालो, अगर आपकी सब्जी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालो. इट विल जस्ट मेक द सब्जी वेरी क्रीमी. इफ यू मेकिंग करेलाज, हाउ एवर यू मेक योर करेलाज, आफ्टर यू डन योर इनिशियल ट्रीटमेंट यू कैन फिल इट अप विद द इनर पार्ट ऑफ इट ऑफ द करेला विद दिस मसाला. सो दैट्स इट. The masala is ready, the ingredients are easy to procure and it's easy to make. And this masala lasts with me, in this much of quantity, it lasts with me for almost 6-7 months. Thank you.